गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. इन लास्ट क्लास वी हैड रीड अबाउट प्लांट्स इन प्लेन्स एंड प्लांट्स इन डेजर्ट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. थर्ड, प्लांट्स ऑन हिल्स. ऑन द हिल्स क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम कोल्ड टू एक्सट्रीम कोल्ड. देयर इज स्नोफॉल इन सम एरियाज टू. हिल्स का जो क्लाइमेट होता है कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है. वहाँ स्नोफॉल कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा होती है. प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स बट हैव कॉर्न्स विद सीड इनसाइड देम. ड्यू टू दिस कॉर्न्स दे आर कॉल्ड कॉनिफर्स. क्या कहलाते हैं, कॉनिफर्स. प्लांट्स इन दिस रीजन हैव फ्लोइंग फीचर. प्लांट्स आर यूजुअली टॉल एंड स्ट्रेट. वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, लंबे और सीधे एकदम. मोस्टली दे आर फ्लावरलेस, उसमें फूल नहीं होते हैं. दे आर कॉनिकल इन शेप सो एज टू स्लाइड डाउन द स्नो ड्यूरिंग स्नोफॉल. द लीव्स हैव वैक्सी कोटिंग एंड नीडल्स लाइक शेप टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्नो. लुक एट दिस पिक्चर. स्प्रूस पाइन एंड ओक ट्री. देखो ये कॉनिफर कौन निकला हुआ है. सीडर देवदार फर पाइन स्प्रूस मैपल ओक ब्रिज बीच एक्सेट्रा आर सम कॉमन प्लांट्स. दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफरस ट्री. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवर ग्रीन ट्रीज एज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स. ये एवर ग्रीन ट्री भी कहलाते हैं लेकिन इनमें शेड नहीं होता है. फोर्थ, प्लांट्स इन ग्रासलैंड. ग्रासलैंड इज द रीजन्स विच आर कवर्ड विद ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स. रेनफॉल इज नॉर्मल इन दिस एरिया. ग्रासलैंड्स इज द रीजन, मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ मतलब पूरा घास और छोटे छोटे प्लांट से ढका हुआ होता है. रेनफॉल यहाँ इज नॉमिनल इन दिस एरिया. दीज प्लांट्स हैव फ्लोइंग फीचर्स. दे आर स्मॉल इन साइड, इनके जो साइड होते हैं छोटे होते हैं. दे वाइंड द सोइल एंड मेक इट फर्टाइल. एज दे मेक द सोइल फर्टाइल दे आर सुटेबल फॉर फार्मिंग. ओनली स्मॉल ट्रीज कैन बी सीन स्केटेड थ्रू आउट द ग्रास लैंड सो दे बिकम द शेल्टर फॉर वेरियस काइंड्स of animals like lions, elephants, giraffe and zebras. Fifth, plants in marshes. There is plenty of rainfall in such regions. Marshes have clay soil. ये clay soils में होते हैं. Particles of clay soil are so closely packed that air does not reach the roots or plant. So the root of the plants that grow here are above the ground to absorb the fresh air. Such roots are called breathing roots. ये roots क्या कहलाते हैं, breathing roots. Plants that grow in marshes have flowing features. Roots grow above the ground. इसके जो roots होते हैं वो ground के ऊपर होते हैं. These roots have small opening at their tip to allow exchange of gases. Mangrove plants like रिजोफोरा एंड एविक्सिनिया ग्रो इन सच मर्शी सोइल. लुक एट दिस पिक्चर. मैनग्रोव्स वो प्लांट इस तरह के होते हैं. सिक्स, प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज. दीज एरियाज आर नियर द सी एंड हैंस रिसीव हैवी रेनफॉल. द वाटर हीयर इज सॉल्टी इन टेस्ट. यहाँ का जो वाटर होता है कैसा होता है, सॉल्टी नमकीन होता है. प्लांट्स लाइक कोकोनट रबर एंड पीपर ग्रो इन दिस रीजन्स. द सीड्स ऑफ कोस्टल प्लांट्स आर यूजुअली डिस्प्रेस्ड बाई वाटर. देखो ये कोकोनट ट्री कोस्टल एरियाज में यही सब प्लांट पाए जाते हैं. सेवन, प्लांट्स इन फॉरेस्ट. Forests are the home for variety of living beings. They are thickly populated with many kinds of trees, plants, shrubs, herbs, etc. They have deciduous plants, coniferous tree and evergreen tree. Sal, teak is commonly found in forest. ये सब जो plants हैं ये पाए जाते कहाँ, forest में.
नेक्स्ट क्या है, एक्वेटिक प्लांट्स। प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, और वाटर प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्वेटिक प्लांट और वाटर प्लांट्स। दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू फ्लोइंग टाइप्स। फर्स्ट, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोइंग आर द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स अंडर दिस टाइप। दीज प्लांट्स हैव रूट्स दैट फिक्स देम टू द बेड ऑफ द पॉन्ड। They have long, thin, hollow and flexible stems that help the plants to stay afloat and bend with the flow of the water. They have broad and flat leaves that help them to get sufficient air and sunlight. Leaves have waxy coating on the surface that prevents them from rooting. Their leaves have stomata on the upper surface for respiration or breathing. Lotus and water lily are common examples of fixed floating aquatic plants. देखो ये लिली है, ये लोटस प्लांट जो फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स एक्वेटिक में आते हैं। सो चिल्ड्रेन, टूडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू।